सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हुए अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि आज से हम प्राकृतिक चिकित्सा के मिट्टी चिकित्सा के इस भाग को, जैसा कि हमने कल कहा भी था, उसको हम सीखेंगे और कैसे जानेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी हमारे लिए आरोग्यदायी हो सकती है, कैसे मिट्टी हमारे लिए जीवन रक्षणी हो सकती है, कैसे मिट्टी हमारे लिए गंभीर और असाध्य रोगों के उपचार में सहायक हो सकती है, कैसे मिट्टी हमारे सामान्य रोगों में के उपचार में सहायक हो सकती है, मिट्टी चिकित्सा क्या होती है प्राकृतिक चिकित्सा में। बहुत ही सरल ढंग से आज हम थोड़े से ही छोटे से कार्यक्रम में मिट्टी चिकित्सा को जानेंगे और घर में ही कैसे मिट्टी से आप अपने पेट की तमाम समस्याओं का उपचार कर सकते हैं, आप अपनी गले की तमाम समस्याओं का उपचार कर सकते हैं और भी शरीर पर जिसको चर्म रोग आदि कहते हैं, तो इन समस्त समस्याओं का आप बिल्कुल आसानी से उपचार कर सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा क्या है, तो सबसे पहले हम आज के इस सत्र को कुछ योग की क्रियाओं से प्रारंभ करते हैं और यौगिक व्यायामों को करते हैं, उसके बाद कुछ आसनों को श्वास भरते छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। हमारे स्वामी न्यूज़ के दर्शक सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में जो कि योग व प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार हमारा कैसे हो, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए मड थेरेपी, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। मिट्टी का मुख्य काम है, सबसे पहला मिट्टी क्या करती है, सबसे पहले करती है रोगों को उभारती है, जो अंदर दबे हुए हैं उनको उभाड़ करके बाहर लाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का यही काम है, रोगों का उभाड़ करना, तो रोगों को उभाड़ करके बाहर लाती है, फिर उस भाग को शुद्ध करती है। मिट्टी में 24 प्रकार के पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, करते रहेंगे लगातार। मैं आपके इस फेसबुक पेज पर जितने हमारे दर्शक हैं उनको एक बार देख लेता हूँ। ऋतु, राकेश जी, प्रकाश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। आप लोग और भी दर्शक जुड़े हुए हैं जो लाइव दिख रहे हैं, सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं लेकिन लाइव बहुत सारे दर्शक होते हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। तो रोगों को उबाड़ती है, फिर उस भाग को शुद्ध करती है, पोषक तत्वों का समावेश करती है, ठंडक पैदा करती है। मिट्टी का, मृदा का महत्व वेद में भी बताया हुआ है, भैषजम मृदा सर्व औषधम परम औषधम, ऐसे वेद में भी कुछ मंत्र हैं और कुछ मंत्र में तो इसकी महिमा भी, मिट्टी बहुत बड़ी अच्छी जो है औषधि के रूप में, प्राणदायी औषधि के रूप में शामिल हो सकती है। श्वास पूरा भर के और दबाएं सिर को हाथों की तरफ, हाथों को सिर की तरफ विपरीत दबाव देंगे, रिवर्स प्रेशर उत्पन्न होगा, उसको अनुभव करें और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को बेहिला छोड़ देंगे। एक बार फिर से आज पेट की बात करें, पेट की समस्याएं मिट्टी से और कौन से आसनों से दूर हो सकती है, तो दोनों ही चीज़ों को जान लेते हैं। 5 मिनट तक हम आसनों को देख लेते हैं, फिर मिट्टी पट्टी लेप हम कैसे घर में कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मिट्टी कौन सी सर्वश्रेष्ठ होती है, तो जो आपको मिट्टी
कुछ मिट्टियाँ होती है, पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो बालू मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, श्वास पूरा भर के आगे से दबाएं। कुम्हार के पास की मिट्टी होती है, सिल्ट होती है, झील की निकट की मिट्टी, सागर के महासागर की निकट की मिट्टी, इसको सिल्ट कहते हैं। बलुई मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है, बहुत मिट्टियाँ होती हैं। एक भरा भराव की मिट्टी होती है, नींव जब खुदवाते हैं तब आपको कोई भी अच्छे से अच्छी मिट्टी मिल जाए, चाहे वो कुम्हार की मिल जाए, चिकनी मिट्टी। इसमें मुल्तानी मिट्टी भी बड़ा अच्छा काम करती है, सिर में लगाओ और चर्म रोगों के लिए मुल्तानी मिट्टी बड़ी अच्छी होती है। श्वास पूरा बाहर दाईं ओर घूम जाए, एक हाथ यहाँ रखें, दूसरा हाथ उसी की सीध में पीछे रखें और दाईं ओर राइट साइड में घूम जाए। श्वास बाहर अधिकतम शरीर को घुमाएं, ये पेट के लिए बड़ा विशेष अभ्यास है, पेट इसमें पूरा घूम जाता है। थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, पूरी ताकत लगाया करें, श्वास फिर से बाहर पूरा घूम जाए। मिट्टी चिकित्सा बिना किसी नुकसान के निरापद चिकित्सा है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता मिट्टी चिकित्सा का। फिर से एक बार और कर लेते हैं, श्वास बाहर आज हम आपको मिट्टी कैसे बनाई जाती है वो बताएंगे, कौन सी मिट्टी। यदि आपको इतनी सारी मिट्टियों में से दो चार पांच मिट्टियाँ मिल जाएं, चाहे वो नीम के नीचे की, उस मिट्टी को आप ले आएं। उसके अलावा थोड़ी बालू मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी चिकनी मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी यदि किसी भी फॉर्म में मिल जाए वो डाल सकते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और उसके अलावा यदि थोड़ी सी रेत मिल जाए, मिट्टी सामान्य, इन सब को ला करके, यदि ये गीली हैं तो इनको सुखा करके, कोई भी गीली मिल जाती मान लीजिए तो उनको सुखा करके और कूट पीस करके पूरा छान लेंगे, कपड़ छन कर लेंगे, और छानने के बाद जब ये बिल्कुल बारीक सी ऐसी हो कि इसमें बिल्कुल हल्का सा भी कंकड़ मात्र नहीं हो, छानने के दौरान भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपका हाथ ना लगे। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे गर्दन के, गोल गोल घुमाएं, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं, ऐसे घुटनों पर हाथ रख लेंगे। 12 घंटे आपको इस मिट्टी को भिगोना है, छानने के बाद जब ये अच्छी बारीक हो जाए तो 12 घंटे तक भिगोना है। जैसे रात को, सुबह आपको 6 बजे लगानी है मान लीजिए, तो कम से कम शाम को आपको 6 बजे भिगोनी होगी। हाथ ना लगाएं मिट्टी को, हाथ लगाने से इसके औषधीय गुण कम हो जाएंगे, इसीलिए हाथ लगाने से बचें। आप भिगो भी रहे हैं तो लकड़ी से किसी भी ऐसे पात्र में भिगोएं जो कि प्लास्टिक का ना हो, उसके अलावा जो कोई एल्यूमिनियम का ना हो, इस तरह के किसी पात्र में भिगोएं। कोशिश करें अगर मिट्टी के, सीमेंट के बने हुए ऐसे कोई होदी में भिगो देवें तो बहुत अच्छी बात है, या मटके में भिगो देवें तो भी अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा कोई पात्र मिलता तो स्टील आदि में या किसी में भिगो सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के बारे में आपको बताया कि मिट्टी कैसे बनाई जाती है। पेट की समस्याओं के लिए ही आज मिट्टी के प्रयोग हम जानेंगे, तो पेट की समस्याओं में कुछ आसन किए जाते हैं, तो उन आसनों को करने के लिए भी 3-4 आसन सिखा देते हैं, 3-4 आसन। हालांकि पहले भी कार्यक्रम में हमने जाना है, लेकिन चूंकि पेट पर ही केंद्रित है तो पेट पर ही केंद्रित रखते हुए ही 2-3 आसन बता देते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देंगे। श्वास पूरा भरें, हथेलियाँ पास में रखें, पैरों को पास में रखें, पंजों को खींच कर रखें, श्वास पूरा भरेंगे और पैरों को इस तरह से ऊपर लाएं, 32-45 डिग्री उत्तानपाद आसन की। सूर्य नमस्कार इसमें बहुत उपयोगी है, पेट को अच्छा रखने का काम करता है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार आपको प्रतिदिन बताते हैं, काफ़ी बार बताया, आज हम लेटने वाले अभ्यासों से शुरू कर रहे हैं। उत्तानपाद आसन आप करेंगे तो आपकी आंतें अच्छी हो जाएंगी, आंतों में शक्ति बढ़ेगी,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कल मैं बता भी रहा था, पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो पाइल्स की समस्या वालों को उत्तान पादासन अवश्य करना चाहिए। फिर से श्वास भरें, क्योंकि उनकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, पाचन तंत्र कम सक्रिय रहता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। आहार पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो उनका जीवन भर ही ठीक नहीं होने वाली समस्या। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस, ये उत्तान पादासन आप अवश्य कर 3 से 4 बार 5 बार तक करें। फिर अर्धहलासन, एक पाद अर्धहलासन, श्वास भरते हुए पैर ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। पीठ के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण आसनों को आज हम बता रहे हैं, और दोनों को एक साथ, पेट के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण आसनों में हलासन भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्वास पूरा भरते हुए ऊपर ले जाए सर्वांगासन की स्थिति में, और पूरा श्वास बाहर और पीछे हलासन। घुटने सीधे रखते हुए थोड़ी देर रुकें, आस्तु संकेत रूप में ज़्यादा रुकें नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि मिट्टी कैसे बनाते हैं वो जानना है, लेकिन आप आसन को ये समझ लें कि इसमें आपको 15-20 सेकंड आधे आधे मिनट तक रुकने का प्रयास करना चाहिए। ये थायराइड वालों के लिए भी बड़ा उत्तम अभ्यास है। तो फिर एक कंधर आसन होता है, इसको भी पेट की समस्या वालों को लिए थोड़ा विशेष नियम के अनुसार करना पड़ता है। श्वास पूरा भर के ऊपर जाए, एड़ियां जमीन से, कोहनियां जमीन से, अब श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाते रहेंगे। गैस कब्ज वालों के लिए ये अभ्यास बड़ा अच्छा है, अगर आप ऊपर जा करके श्वास छोड़ के पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे तो। जो इसमें कपाल भाती कर सकते हैं वे कपाल भाती भी करें। फिर पवन मुक्तासन, और इससे ठीक पहले एक पाद वृत्तासन, पूरा बड़ा शून्य बनाए। 20-20, 50-50 बार ऐसे ही विपरीत दिशा से बिना घुटना मोड़े चलाएं, ऐसे दूसरे पैर से भी करें। आज सांकेतिक रूप में केवल 5-5 बार करके बता रहे हैं आपको। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको इसको 20-20, 50-50 बार करना है, आपको एक दिन में ही फायदा महसूस होने लगे। ऐसे से ये द्विचक्री आसन, वो था एक पाद वृत्तासन, ये द्विचक्री आसन उल्टा चला रहे, इसको साइकिलिंग कहते हैं। बड़ा से बड़ा शून्य बना रहे, बड़े से बड़ा रिलैक्स विश्राम, इसको भी 50-50, 100-100 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद शव आसन में आपको लेटना चाहिए, और इससे पहले आप चाहें तो पवन मुक्तासन करें, जिसके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ये बहुत उपयोगी आसन पेट के लिए, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। थोड़ी देर रोका करें, आज जो है हम कम रोक रहे हैं क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें जाननी है। श्वास फिर से बाहर दोनों तरफ से, दोनों ये कुछ पवन मुक्तासन, और इसके अलावा इसमें जिसको हम कहते हैं भुजंगासन, पेट के बल वो पेट के बीमारी में बहुत काम करता है, लेकिन इसमें रोक करके रखना चाहिए। और रोक कर खूब देर तक नौकासन कर सकते, विपरीत नौकासन।
सामने वालों को ये वाला अभ्यास निकालना, इसमें सीधा नौकासन ऐसा कर सकते हैं। ऊपर लाते हैं, इसको व्यायाम भी कर सकते हैं और शवासन में आराम करते हैं। अंत में हो थकान का पूर्ण शमन अंत में करें शवासन, लेकिन शवासन किए बिना ना, क्योंकि बहुत थकाने वाले आसन है सारे, शवासन अवश्य करना है। स्वामी न्यूज की विशेष इस कार्यक्रम में लाइव एंड एक्सक्लूसिव में हम इन सभी चीज़ों को जान रहे हैं, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम पेट का स्वास्थ्य अच्छा बनाए। देखो कंटिन्यू चल रहा है, रुक गया। कैसे मिट्टी पट्टी हम तैयार करें, मिट्टी पट्टी के लिए सबसे पहले हमारे पास मिट्टी भीगी हुई होनी चाहिए। मैंने बताया आपको यदि हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम कैसे उसको तैयार करें, कहीं की मिट्टी आप उपलब्ध नहीं हो पा रही तो आप अपने आसपास में जो कच्चा क्षेत्र है उस कच्चे क्षेत्र को या पास की भूमि को 2 फीट तक आप जो है खोद ढंग से खोद लें। खोदने के बाद जब आप मिट्टी बनाना बनाना चाहें तो पहले तो ऐसी मिट्टी को जो मिट्टी आपके आसपास के क्षेत्र में 2-3, 1.5-2 फीट तो कम से कम आप खोद लें, फिर उस मिट्टी को निकालें, हाथ से निकालें, किसी दूसरे सहायता से निकालें, और उसके अलावा उस मिट्टी को ला करके आप कूट पीस करके उसको इतना बारीक कर लेंगे, उसमें से कंकड़ को हटा लेंगे, छन लेंगे और बारीक मिट्टी हो जाए, एक दो तरह की मिट्टियाँ हो जाए तो और अच्छी बात है, और उसको बिल्कुल ऐसे पाउडर, ऐसे फाइन पाउडर की तरह से दिखने वाली हो जाए, फिर उसको आप भिगोएं, और भिगोएं भी तो लकड़ी की सहायता से, उसको हिला करके भिगोएं, हाथ नहीं डालना है, ये लकड़ी है, भिगो लिया और भिगोने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालते रहें और चलाते रहें, पानी डालते रहें चलाते रहें, इतना पानी न डालें कि ये मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो जाए कि ये पट्टी पर चिपक ही ना सके, बह जाए, और इतना कम भी ना डालें कि वो चिपकने की स्थिति में ना रहे। तो ये इस तरह से मिट्टी ये भीग करके रात को 12 घंटे भिगोने के बाद ऐसी तैयार हो जाती है। अब इसमें एक भी उंगली, एक भी हाथ नहीं लगा हुआ है किसी का भी। फिर हमारे पास यदि बोरी हो, टाट हो, तो टाट का थोड़ा टुकड़ा काट करके, पतली अगर बोरी हो तो उसका टुकड़ा काट करके यदि हम रखें अपने पास, तो उस जितना भी प्रभावित क्षेत्र है, जैसे हमारे को पेट पर लगानी है तो पेट से 2 इंच ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। जैसे नहीं है यदि टाट तो भी सूती का कपड़ा हमारे घर में हो तो सूती कपड़े को जैसे पेट पर पट्टी करनी है तो पेट पर पट्टी करने के लिए पेट की साइज देख लेते हैं, तो पेट की साइज इतनी है, तो थोड़ी सी बड़ी 1 इंच बड़ी इतनी ले लेते हैं और चौड़ाई में भी इतनी ले लेते हैं। तो ये इतनी इतनी पट्टी यदि हमारे पास हो जाए, इस पट्टी पर हम मिट्टी को लगा करके फिर अपने पेट पर लगाएंगे, क्या विधि है वो अभी देख रहे हैं। तो इसको पहले साइज का बना लेते हैं, तो साइज का बनाने के लिए देखिए इसको हम पेट के बराबर का बना लेते हैं, इसी में से गले की पट्टी भी हम तैयार कर लेते हैं। मिट्टी पट्टी लगाने से पहले हमारे प्रभावित अंग पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक कर लेते हैं, उसकी सिकाई करते हैं। तो सिकाई के लिए हमारे पास एक गर्म थैली है, ये इलेक्ट्रॉनिक थैली, गर्म थैली है, अगर इसको हम गर्म करके रखें और उसके बाद 5-10 मिनट की सिकाई हमें करनी है जहाँ पर हम मिट्टी पट्टी लगा रहे हैं। बिल्कुल आसान चीज़, आप आराम से घर में इसका प्रयोग करते हैं। बस ये मिट्टी गंदी नहीं होनी चाहिए, मलमूत्र वाली नहीं होनी चाहिए, कचरे वाली नहीं होनी चाहिए,
बहुत सारा कचरा भी होता है मिट्टी में, वो कचरे वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी पट्टी लगाने के लिए किसी ट्रे हो, किनारी वाली हो, चौकोर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये राउंडेड रेक्टेंगल है, थोड़ी चौकोर थोड़ी गोल है, इस तरह की ट्रे में आपको अपनी मिट्टी को ऐसे रखना है पट्टी को। और ये सूती कपड़ा है, घर में से ही आपका जो है उपलब्ध हो सकता है, आपके पास टाट नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इस तरह से आप मिट्टी पट्टी पर ये लगाना है, ये मिट्टी इस कोने पर लगाते जाना, आपको इतना जूम करके दिखा रहे जिससे कि आप आसानी से इसको घर पर बैठे सीख सकते हैं। ये मिट्टी है, इसमें हमने चार प्रकार की मिट्टियाँ मिलाई हैं, इसमें कुमार की मिट्टी है घड़े वाली, इसमें बालू मिट्टी है, इसमें मैं झील के निकट की मिट्टी भी ला करके मैंने इसमें मिलाई है। अपने अजमेर में झील भी है, और उसके अलावा इसमें नीम की मिट्टी भी मिलाई हुई है, भूमि से दो तीन फिर गहराई पर गड्ढा खोद करके उसमें से निकाली, क्योंकि वो शुद्ध होती है, गंदी नहीं होती है। और फिर जो है कोई गंदी या ख़राब सी दिखती है तो उनको हटा देंगे, अलग कर देंगे, और जितनी है मोटी मोटी पत्थर कंकड़ वाली उसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन इसमें हमने इस प्रकार की कोई मिट्टी नहीं डाली जी कि उसको हमें ज़्यादा साफ़ करना पड़ा हो। मैं बहुत शुद्ध मिट्टियाँ मंगाता हूँ और उन्हीं के आधार पर हमने इसको तैयार किया। इसकी करीब करीब आधा इंच से एक इंच तक की पट लेंगे, इतनी मोटी इतनी गहरी, हल्की नहीं केवल मिट्टी लग गई, नहीं, मिट्टी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंदर के अभी अवगुणों को खींचती है, जो शारीरिक अवगुण हैं मतलब बीमारियां हैं, दोष हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको अपने में खींचती है, मिलाती है। तो खींचने के लिए उसकी लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारी देखो किनारी के कारण से मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी बन गई, और इसको प्लेन कर देते हैं, और प्लेन नहीं हो पा रही तो छोटी वाली ऐसी लकड़ियाँ ऐसा लेकर के जैसे प्लास्टर किया जाता है इस तरह से इसको प्लेन कर देते हैं। प्रायः मिट्टी पट्टी किसी को भी स्क्रीन पर लोग दिखाते नहीं है, क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि इतनी आसान है, कोई भी सीख जाएगा तो फिर ये हमारे पास नहीं आएंगे कुछ लोग, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो परोपकार के लिए है, मिट्टी परमात्मा ने दे रखी है, उस मिट्टी को या प्रयोग करना लोगों को घर में सिखा देंगे तो जल से वो स्वस्थ रह पाते हैं, अपने बीमारियों को दूर कर लें, इस प्रकार से मिट्टी से भी अपनी बीमारियों को दूर कर लें। आज हम लगा के दिखा दे रहे हैं कैसे मिट्टी जाएगी। ये मिट्टी की पट्टी तैयार हो गई हमारी पेट के लिए, अब हम मिट्टी पट्टी तैयार कर देते हैं एक बार गले के लिए, फिर हम दोनों को लगा के दिखा दें। ये गले के लिए हमने मिट्टी पट्टी को काट लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी अनमोल है, गांधी जी जो थे ना, महात्मा गांधी, उन गांधी जी को इतना भयंकर कब्ज था, वे उस कब्ज को मिट्टी पट्टी से ठीक कर रहे हैं, वो अपनी आत्मकथा में मिले। गांधी जी को हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था जब उनके ज़्यादा एक्सर्सिस हो जाती थी ना, वो लिखते हैं, और उसको भी उन्होंने इसी मिट्टी से ठीक किया। तो ये मिट्टी इतनी अनमोल है, इतनी अनुपम है कि हमें आरोग्य देती है, ऐसा देती है कि जड़ से जो पुरानी बीमारियां हैं ना वे भी ठीक हो जाती हैं। ये हम तैयार कर रहे हैं गले की मिट्टी पट्टी। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा महत्व बताया, अपने जीवन में उन्होंने बहुत के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा पर भी काम किया। उनका जीवन को पढ़ने से ये पता लगता है कि उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी चिकित्सा पर विशेष प्रयोग किए, और वो अपनी आत्मकथा में लोगों के परोपकारार्थ लिखे। ये गले की मिट्टी पट्टी हमने तैयार की है। चलिए अब हम मिट्टी पट्टी को लगाने के लिए आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे भाई
योग शिक्षक प्रकाश जी को जो है यहाँ पर बिठा करके उनके ऊपर मिट्टी पट्टी का प्रयोग हम करेंगे। तो आ जाइए, लेट जाएंगे प्रकाश जी। मिट्टी पट्टी किस प्रकार से अप्लाई की जाती है, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आज हम देख रहे हैं। तो मिट्टी पट्टी का एप्लीकेशन पार्ट, सबसे पहले हम अपने पेट को, जब हम घर में होते हैं तो हमें ऊपर से कुछ पहनना नहीं चाहिए जिससे कि हम अच्छे ढंग से मिट्टी पट्टी को ले सकें। अभी हम पेट को खाली खुला छोड़ देंगे, टी शर्ट और ऊपर ले लेंगे, हाँ थोड़ा सा नीचे लोअर को भी हल्का सा नीचे कर लेंगे जिससे कि हम ठीक ढंग से मिट्टी पट्टी का सेवन कर सकें, इसका प्रयोग कर सकें अपने ऊपर। अब हम इसको पेट भाग पर भी लगाया जा सकता है, इसको पेट पर भी लगाया जा सकता है। इस तरह से मिट्टी पट्टी जो है कई सारे प्रभावित क्षेत्रों पर अब प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग जिसको हम कहते हैं अलग अलग रोगों के लिए। अब हम सबसे पहले, ये गर्म थैली है, तो इस गर्म थैली को हम देख रहे हैं कि गर्म कर ली हमने, और गर्म थैली को हम इसके जो है पेट के भाग पूरे पेट पर हम ऐसे धीरे धीरे से करके इसको पूरा गर्म कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इस गर्म थैली को हम रखते हैं, तो 5 आप समझे कि ये अभी हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको केवल संकेत रूप में समझा रहे हैं, क्योंकि हम 10 मिनट रखेंगे तो 10 मिनट में तो हमारी पट्टी हम कर लेंगे। ये 10 मिनट आप समझिए कि इसको रख करके पेट के सारे जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको यहाँ ले आते हैं। और गर्म करने से क्या होता है, ये अच्छे ढंग से इसके रोम छिद्र खुल जाते हैं। ये मिट्टी पट्टी के लिए हमने इस, ये मिट्टी पट्टी है, और ये मिट्टी पट्टी के लिए हमने ऐसे ट्रे उठा ली, और हम चाहें तो इस ट्रे को पूरा ऊपर की तरफ ऐसे रख सकते हैं और फिर हटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम इस मिट्टी पट्टी को उठाएंगे और इसको हम ऐसे अप्लाई कर देंगे पेट पर। पेट पर यूं अप्लाई करके इसको फिर किसी वस्त्र से ढक लिया जाता है लपेट करके। अभी फिलहाल हम इस टी शर्ट से लपेट दें। सर्दियों में इसको कमरे में किया जाता है, और कमरे में करते हुए इसको हम कंबल से ढक देते हैं, और अभी गर्मियों में हम चद्दर से अथवा किसी दूसरे वस्त्र से लपेट सकते हैं। अब हम गले की मिट्टी पट्टी देख रहे हैं। गले की मिट्टी पट्टी के लिए हम छोटी वाली जो हमने तैयार की है मिट्टी की पट्टी, उस छोटी पट्टी को हम लगा रहे हैं। थायराइड, टॉन्सिलाइटिस और भी गले के तमाम रोग होते हैं, उनमें हम गले की मिट्टी पट्टी के लिए तो थोड़ा सा इसको भी हम गर्म सेक से गले के भी रक्त संचार को ठीक कर लेते हैं। 2-3-4 मिनट का यहाँ पर भी गर्म गर्म सेक कर लिया जाता है, थोड़ी देर रख करके, उसके बाद ये गले की जो मिट्टी पट्टी हमने तैयार की है बड़ी मेहनत से, इस गट्टी पट्टी को ऐसे अप्लाई कर दिया जाता है, और फिर इसको किसी वस्त्र आदि से हम चाहें तो ढक सकते हैं, और इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा लपेट करके ऐसे ढक गया। ये देखिए पेट की पट्टी है, और ये गले की पट्टी है। तो मिट्टी पट्टी चिकित्सा आज हम जान रहे हैं कि मिट्टी की पट्टी पेट पर कैसे दी जाती है, और मिट्टी की पट्टी कैसे गले पर दी जाती है। ये थायराइड के लिए, पेट की तमाम समस्याओं के लिए, और विशेषकर कब्ज के लिए। ये कब्ज जो है बहुत बड़ा रोग हो चुका है, और ये कई सारे रोगों को साथ में लेके आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शरीर में कब्ज नहीं होने देना, कब्ज बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी। मिट्टी पट्टी लेप, इसको 15 से 20 मिनट प्रायः रोक करके रखा जाता है, तुरंत हटाया नहीं जाता,
15 से 20 मिनट आप इसको रखें, इसको हवा में लगा करके, हवा में नहीं लेटा जाता, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है आपको बता रहे हैं, इसको लगा करके घर में ही लेटना है। अभी हम उद्यान में है इसीलिए हवा तो चल रही है, लेकिन आपको सदा ही बिना हवा के क्षेत्र में इसको लगा के रहना है, हवा के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये कुछ सावधानियाँ हैं। जब ये 15-20 मिनट हो जाएं, इसको आधे घंटे तक भी लगाया जा सकता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में मिट्टी पट्टी को रात पूरी रात भर भी लगाया जा सकता है, तो उसकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ अलग कार्य होते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम सामान्य रूप से 15-20 मिनट सभी लोग इसको अप्लाई करते हैं, ये मिट्टी पट्टी गले की और मिट्टी पट्टी पेट की, जिनको प्रजनन संबंध रोग होते हैं ना, वो इस पेट से भी थोड़ा नीचे की तरफ इस मिट्टी पट्टी को लगा दें, तो उनके प्रजनन संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज़, सेक्सुअल डिजीज़, ये जितने भी रोग हैं हमारे, वे सारे इस मिट्टी पट्टी के पेडू भाग पर लगा करके कुछ देर, प्रतिदिन कुछ दिन लगाएं, तो उससे ये दूर हो जाएंगे, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। मिट्टी पट्टी इतनी ज़बरदस्त है होती है, इतनी कारगर होती है, शक्ति भी देती है, टॉक्सिन्स को भी दूर करती है, और जिसको हम कहते हैं भीतर को शुद्ध भी करती है। मिट्टी मृदा और जल शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है, मृदा और जल। अभी तो प्राचीन काल में पहले भी जल और मिट्टी से ही बर्तन भी मांजते थे, कपड़े भी धोया करते थे, आज भी मिट्टी उतनी ही कारगर है, बस शुद्ध मिले और उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। अब 15-20 मिनट जब ये हो जाए, तो इस मिट्टी पट्टी को हटा करके और इसको बिल्कुल, इस मिट्टी का फिर दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, उतना बस। ये मिट्टी पट्टी इस प्रकार से धीरे 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 समेट से हटा सकते हैं, अथवा नीचे कोई ऐसा पदार्थ लगा करके जिससे कि ये हमें आसानी से हाथ में आ जाए। ये मिट्टी पट्टी हमने हटा दी, इसी प्रकार से गले की मिट्टी पट्टी भी इसी प्रकार से हटाई है। अब इसको पानी से अच्छे प्रकार से हमें दो लेना चाहिए, और जो खुजली होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा करके अब वापस आकर के बैठ जाइए। चलिए, ये मिट्टी पट्टी हमने अप्लाई की है हमारे योग साधक भाई प्रकाश जी के ऊपर। आपको बताया स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को कि मिट्टी पट्टी के द्वारा कितना लाभ होता है और इसकी विधि क्या है, और मिट्टी पट्टी कब कब करनी चाहिए, तो मैं बता दूँगा आपको। मिट्टी पट्टी हमें रोज़ कर सकते हैं हम, 15-20 मिनट आप निकालें, आपको तैयार करना तो बता ही दिया, इससे वो रोग ठीक हो जाते हैं जो रोग एलोपैथिक में अथवा दूसरे किसी पद्धति में नहीं ठीक हो पाते हैं। तो कैसी मिट्टी पट्टी करनी चाहिए, तो घुटनों के दर्द में गर्म मिट्टी पट्टी करनी चाहिए, मिट्टी को गर्म करके और गर्म गर्म मिट्टी की पट्टी घुटनों पर की जाती है, और उसी गर्म गर्म मिट्टी पट्टी से घुटनों के दर्द में विशेष लाभ होता है। तो भाई प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को हमने आज मिट्टी चिकित्सा के लाभ बताया, उसकी विधि बताई, और इसके अलावा कैसे और कब कितनी देर कैसे रोगियों को इसका प्रयोग करना चाहिए वो सब बताया, और फिर एक दिन हम आपको पूरा मिट्टी में ही स्नान करके बताएंगे कि मिट्टी के स्नान से कितने लाभ हैं। पूरा मिट्टी में पंक स्नान, रज स्नान, ऐसे बालू स्नान, ऐसे बहुत सारे स्नान होते हैं, एक स्नान तो आपको इस चैनल पर करके दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी हमारे को लाभ करती है। अब मान लीजिए ये मिट्टी पट्टी आपने लगाई, फिर खुजली हो रही है, तो खुजली कैसे दूर की, पहले अच्छे ढंग से शुद्धि कर लो, फिर गर्म पानी से, ठंडे पानी से, अथवा उसके बाद हल्का सा तेल लगा दो, सब नहीं होती, किसी किसी को होती, तो चूंकि पहली बार अप्लाई किए तो ऐसा होता है भी किसी किसी के साथ। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने विशेष लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस कार्यक्रम में जाना कि हम कैसे मिट्टी से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार आप सभी को। आगे भी मिट्टी चिकित्सा के बारे में बता देंगे, कैसे चेहरे पर लग जाए,
से पिंपल्स हमारे दूर हो जाए, मिट्टी चिकित्सा से कैसे हमारे कृत्रिम के हृदय में विशेष लाभ होगा, कैसे हमारे पिड्डू भाग कैसे सिर, मैं बता दूं आपको, मेरे परिचित हैं उन्होंने बताया कि हमने मिट्टी का लेप सिर पर लगा करवा के सिर के जो डिजनरेट सेल थे जिससे बाल गुनाई बंद हो गए थे वो भी वापस से आने लगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के प्रयोग से पूरे जीवन ही रूपांतरित कर लिए। तो इस प्रकार से मिट्टी बहुत ही गुणकारी है, परमात्मा की दी हुई बड़ी सुंदर भेंट है, इसका प्रयोग हमें आना चाहिए। तो मिट्टी चिकित्सा के द्वारा हम बीमारियों को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और सुंदरता बढ़ा सकते हैं। अपने को कोई पाउडर क्रीम या मिट्टी सिर्फ सुंदरता बढ़ानी चाहिए, लेकिन मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए और परिष्कृत होनी चाहिए। मिट्टी शुद्ध करना हमें आनी चाहिए, यदि अशुद्ध मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो उससे एलर्जी होगी, उससे और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये शुद्ध की हुई मिट्टी थी। तो ये शुद्ध की हुई मिट्टी देखिए अभी भी हमारे पास है। ये देखिए अभी आपको जूम करके दिखा रहे कि ऐसी है कि जैसे कोई हलवा होता है ना उस प्रकार का, ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल इजी, ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल। और ये कहीं भी ऐसे अप्लाई हो सकती है, चाहे हम ऐसे यूं हाथ पर भी थोड़ी सी अप्लाई करके बता रहा हूँ कि हम ऐसे यदि अप्लाई करें इसको और यूं लगा दें, ऐसे ये पूरे शरीर पर अप्लाई हो जाती है। किसी को चर्म रोग है मान लीजिए कहीं पर, वो दूर नहीं हो रहा, पुराना दाग है, पुराना फोड़ा है, पुराना जख्म है, दूर ही नहीं हो रहा, तो आपको कोई चीज़ ना लगाए, आप मिट्टी लगाएं। मिट्टी का एक और जो है उपाय बता रहा हूँ, मिट्टी की मंजन। अब ये तो ये भीगी हुई है, मान लीजिए भीगी हुई नहीं होती तो क्या, सूखी मिट्टी जब ये शुद्ध होती है तो क्या करना है, मिट्टी के इसकी मंजन करनी चाहिए, मिट्टी को लेकर के इसकी मंजन करनी चाहिए। और मंजन करते 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 ये दांत ऐसे गजब की चमका देती है और दांतों के लगभग सारे ही रोग दूर कर देती है, बालू भक्षण आदि आदि इसके और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो मिट्टी बहुत ही अनमोल है, तो हम मिट्टी से ही बने हुए, मिट्टी से जुड़े रहे, मिट्टी से ठीक हो जाए, मिट्टी से शक्ति पैदा करें और मिट्टी से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। तो आज के इस मृदा चिकित्सा के, मिट्टी चिकित्सा के, मदर थेरेपी के इस कार्यक्रम को हम ही विराम देते हैं। आप सबका पुनः आभार, पुनः